तो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कि आप अपने जियो फोन में, किसी भी जियो फोन में व्हाट्सएप कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हो। तो जियो ने ये अनाउंस किया था कि वो जियो फोन के लिए व्हाट्सएप लेकर आएंगे, तो फाइनली उसके अपडेट आने शुरू हो गए हैं। अगर आपको अपडेट नहीं मिलता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और कैसे आप अपने जियो फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, लाइक बटन दबा के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं, उसके बाद इस घंटे को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें शेयर बटन पे क्लिक करके। तो फाइनली जियो फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा और वहां से आपको अपने फ़ोन का जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको अपडेट करना होगा। तो सेटिंग में जाके, सेटिंग में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करना होगा और यहाँ से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हालांकि मैंने अपना सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अपडेट कर रखा है तो आपको अपडेट करना होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और खुद ब खुद ये रिस्टार्ट हो जाएगा। तो जब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो आप दोबारा से अपना फ़ोन ऑन कर लीजिएगा और आपको जाना होगा इसके बाद अब जियो स्टोर में जाना होगा आपको। और जैसे जियो स्टोर ओपन होता है, आप नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप दिख जाएगा, इसको क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये और सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको आपको ओपन कर लेना होगा और जैसे ही ओपन होता है आपको करना होगा एग्री वाले पे क्लिक। तो इस बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे ये एग्री हो जाएगा और यहाँ पे आपको डालना होगा अपने फोन का जियो नंबर, यहाँ पे आपको इंसर्ट करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके नंबर को वेरीफाई करेगा, तो आपको ओके पे क्लिक करना होगा, बीच वाला बटन आपको दबाना होगा। और जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके फोन पे एक OTP आएगी और OTP खुद ब खुद वेरीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो OTP वेरीफाई हो रही है और अब आपको यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो, कोई भी नाम आप चाहो तो डाल सकते हो, प्रोफाइल फोटो लगा सकते हो। तो सिंपली मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ इसमें कुछ भी। तो आपको डन पे क्लिक करना होगा, तो इस वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे नंबर दिखा रहा है और आप यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ से आप चैट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जियो फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करके इसका यूज कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।